आप देख रहे हैं आवाज आपका। सुन लीजिए सुशासन बाबू, आपका सारा कारनामा उजागर हो गया। जी हाँ, आपको बता दें पटना से लेके बक्सर और बक्सर से अररिया, आपको ये भी बता दें कि कोई भी काम अगर कोई करे तो उसे जेल भेज देंगे। जी सुशासन बाबू, आपका इस सरकार में यही तो हो रहा है। अगर कोरोना का कोई वैक्सीन आया हो तो उसमें पीएम का फोटो होगा, ये क्या? या फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं? पब्लिक समझदार है, समझती है बिहार की जनता, और पूछती है आपसे। आप ये बताएं कि इतना एम्बुलेंस हर उप स्वास्थ्य केंद्र में रखी हुई है, उसका जवाब कौन देगा? अगर कोई पार्टी का नेता अभी रोड पे है तो हम उसे जेल में डाल देंगे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हम पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, जो कि गरीब निसहाय और जिसका कोई नहीं सुनता उसका सुनने वाला गरीबों का मसीहा पप्पू यादव आज जेल में है। वो इसलिए कि सरकार का बात उजागर कर दिया, बहुत सारे एम्बुलेंस को पब्लिक के सामने रख दिया। अब सरकार को कोई उपाय नहीं, जो खाता वही पे लिखा जाता है, प्लॉट पे काम नहीं हो रही है उसको उजागर करने वाला आज जेल में है। किसी को बोलिएगा नहीं, हम इस बात को बता रहे हैं तो कहीं मेरे ऊपर FIR या फिर मुझे भी जेल जाना पड़े। सुनिए सुशासन बाबू, आपके इस सरकार में गरीब को वैक्सीन नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहा, कोई आदमी राह चलते अगर एम्बुलेंस नहीं है तो कांधे पे लाश लेके जा रही है, कोई आदमी रिक्शे पे लेके जा रहा है। हम तो यहाँ तक बताएंगे कि एम्बुलेंस पे रखा हुआ लाश को कुत्ता खा रहा है। आप कहाँ हैं, कहाँ सो गए सरकार? और विपक्षी सो रहे हैं कान में तेल देकर, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। अभी आप कहाँ हैं? खास करके मैं बोलना चाहूँगा राजद सरकार से, आप पूरा का पूरा विपक्ष हैं, आपने कब आवाज़ उठाया? आवाज़ उठाने की शक्ति आप में नहीं है। अगर आप जब चुनाव का मौसम आएगा साहब जिंदाबाद ऐसा नारा लगाएंगे आप, लेकिन गरीबों के मसीहा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। रानीगंज से MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं नरपतगंज के विधायक प्रत्याशी रह चुके युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर के पास, जो कि सरकार पे आरोप ही आरोप लगा रहे हैं। प्रेस वार्ता में सिंह जो अररिया के भाजपा सांसद हैं, उनको लेकर कि उन्होंने दंगा मार काट की भाषा का प्रयोग किया है, तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? एक सांसद के मुख से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अररिया के सांसद एक और जाति सूचक बात कहकर मारने की बात करते हैं और भगाने की बात करते हैं, ये ओछी राजनीति है और शिक्षा की कमी है। अगर हमारे सांसद, अररिया के सांसद शिक्षित होते, समाज सेवी होते और देशभक्त होते तो ऐसी टिप्पणी उनके मुख से शोभा नहीं देती। एक कहावत है, गांव में गाढ़ फटे तो फटे, पोजीशन न घटे। आज वही चरितार्थ अररिया के सांसद ने किया। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा न देखो, बुरा देखो तो आंख बंद कर लो, बुरा मत सुनो तो कान बंद कर लो, और बुरा मत बोलो तो मुंह बंद कर लो। आज इस बंदर, गांधी जी के 3 बंदर की कहानी अररिया के सांसद ने किया। आज तक ये समाज सेवी नहीं है, ये दंगा भड़काते भड़काते सांसद बन गए। इसके खून में कहीं भी समाज सेवा का नहीं नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है। आज तक इनके द्वारा अच्छे कार्य नहीं किए गए, और ऐसी विषम परिस्थिति में, कोरोना काल में ये बयान देना घटिया मानसिकता को दर्शाता है। अगर हम अररिया वासियों से आग्रह करेंगे, ऐसे घटिया बयान देने वाले सांसद, जब हाथी, जंगली हाथी जब पागल हो जाता है तो
तो उसको बांध के रखा जाता है या उसको पीटा जाता है। अगर ऐसे बयान देने वाले सांसद जिस पंचायत में जाए, जिस प्रखंड में जाए, वहाँ के जनता इसको बांध के रखे और रांची भेजे, इसकी इलाज में जो भी खर्चा होगा युवा शक्ति और जन अधिकार पार्टी अपने पैसे से इसका इलाज कराएंगे। इसके कि अररिया जिला के पेशेंट का ट्रांसफ़र जो होता है वो मधेपुरा के लिए होता है और या तो पूर्णिया उसको रेफर कर दिया जाता है। अररिया जिला में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाति और उन्माद के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी कोविड महामारी के तहत जनप्रतिनिधि को और समाज सेवी संगठन को जनताओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में अररिया के सांसद एक हॉस्पिटल में जाकर मुसलमानों के विरुद्ध में अनर्गल बयान देते हैं, ये दंगा भड़काने की बात करते हैं। अभी जनता को बचाने की बात आती है, आप दंगा भड़काते भड़काते दंगा की बात करते करते तो आप सांसद बन गए। अब इस कोरोना महामारी के समय में भी आप वही बात को दोहरा रहे हैं, अब इसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं? देश के सबसे सर्वोच्च सदन लोकसभा के आप सदस्य हैं, एक लोकसभा सदस्य के मुख से ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है, वो अशोभनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। आज जन अधिकार पार्टी एक आंदोलन के माध्यम से बिहार के सभी प्रखंड में, जिला में और गांव में, सुदूर गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल है उसको दिखलाने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे भवन है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, आप देख लीजिए रानीगंज में बसेती का क्या हाल है, पचीरा का क्या हाल है, सिक्टी जो कुर्साकांटा का क्या हाल है, बद से बदतर स्थिति स्वास्थ्य विभाग का है। इस महामारी ने यह साबित कर दिया, सरकार के पर्दा फाश कर दिया कि 16 वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर पे पेमेंट होता है। आज जनता तबाह है, मर रहे हैं, जो सरकार अपने जनता का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आपने घोषणा किया कि 20 रोज पहले फॉरबिसगंज में कि हम ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे, आज तक प्लांट नहीं लगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस महामारी में जितने भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है अविलंब उसको सहायता राशि दिया जाए, साथ ही बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को, हॉस्पिटल को अविलंब चालू किया जाए। और बिहार सरकार से मेरा निवेदन है, हम आग्रह करते हैं कि जो विधायक सांसद जिस क्षेत्र के आते हैं उसी क्षेत्र में, उस अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज हो, तब उसको पता चलेगा कि हमने, जनता ने जो मुझे बहुमत दिया, हम किस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किए हैं। बिहार में सबसे बड़ा घोटाला एम्बुलेंस घोटाला है, ये सरकारी राशि का दुरुपयोग है। एम्बुलेंस में नंबर भी नहीं लगा, आप बता सकते हैं कि जो एम्बुलेंस एमपी लेट से खरीदा गया था उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन है, उसका वेतन कहाँ से होता है, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाता है, न कि एक सांसद अपने कार्यालय पे अपने मनचाहे समर्थकों के द्वारा चलाते हैं और उससे जो राशि आती है वो किसके खाते में जाती है। आज आप देख रहे हैं जो समाज सेवा के नाम पर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, ये दोनों सरकार बाढ़ में फेल, सुखाड़ में फेल, चिमकी बुखार में फेल और ये महामारी कोरोना में फेल। अब आ गया है ब्लैक फिंगर्स और व्हाइट फिंगर्स,
और अपने मंत्री को हमारे सरकार कहते हैं कि आप अपने आवास में रहें, जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप काम करें, तो ये कैसा संदेश देना चाह रहे हैं आप? राम कृष्ण मोहम्मद साहब, बुद्ध और कबीर के विचारधारा, गांधी के विचारधारा को आप समाप्त कर एक नई परंपरा का आपने उजागर किया है, आज जनता को कौन देखे? जो जनता, जो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, 90% मरीज वहाँ से उसकी लाश आती है। आम आदमी कंधे पर, रिक्शा पर, ठेला पर, टेम्पू पर पेशेंट को ले जाते हैं, कहीं कहीं एम्बुलेंस की सुविधा है। तो आपने जो सरकारी राशि का जो बंदरबांट किया, कमीशन खाए, और वो एम्बुलेंस कहाँ चला गया? आज पूरे बिहार का ये समस्या है, एम्बुलेंस घोटाला। ऑपरेटर नहीं रहने के कारण हम वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दे पाए, और एक तरफ सांसद जी कह रहे हैं, रूढ़ी जी, कि ड्राइवर के अभाव में एम्बुलेंस बंद पड़ा है, और एक तरफ अररिया के सांसद कहते हैं कि मेरा काम था स्वास्थ्य विभाग को देना, हम दे दिए, अब इसकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन आपका एम्बुलेंस कहीं नहीं चला। आप जब एम्बुलेंस का मीटर हम लोग दिखाने का काम किए, तो अभी फिलहाल भड़गामा का एम्बुलेंस जो सांसद निधि से खरीदा गया था, अररिया के 0 माइल में एक गैरेज में ले जाके छिपा दिया गया है, और उसका मीटर खोल दिया गया है, ताकि जनता को ये लोग बता नहीं सके कि कितना गाड़ी चला है। हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक पप्पू यादव बिना पद पे रहकर जो सेवा दे रहे थे, और सरकार को की नाकामी को बता रहे थे, तो आपने उसको गिरफ्तार कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप मंत्री को घर में रहने का आदेश दे रहे हैं, तो जनता को कौन देखेगा? जनता ने आपको चुना है इसलिए कि आप जब भी कोई विपत्ति आए, हमारी रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, और आप वैसे परिस्थिति में मंत्री को आप आवास में रहने का आदेश दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफी है? आज पूछ रहा है बिहार, सांसद पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जो एम्बुलेंस का चोरी कर रहे हैं? और इस महामारी के दौरान अररिया के सांसद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसका दिमाग समाप्त हो चुका है। जब गांव में कोई पागल होता है, तो ग्रामीण लोग उसको जंजीर से बांध कर रांची भेजता है। आज वही हालत अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का है, इसको अररिया में नहीं, इसका जगह रांची में है। और आज सेवा देने के बदले में आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं, और उसको डॉक्टर को कहते हैं मारने की बात, ये कहाँ का इंसाफ है? आप सांसद बन गए, इस समय में चुनाव का समय नहीं है, आपको सेवा देने का समय है, आप क्यों नहीं हॉस्पिटल जाते हैं? अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, सुई और वेंटिलेटर और दवाई की व्यवस्था होती, तो आज इतने आदमी की मृत्यु नहीं होती। और सरकार के ही विधायक, रानीगंज के विधायक की पत्नी का मृत्यु नहीं होता। विलंब प्रत्येक हॉस्पिटल को सुचारू करें, व्यवस्था दें, नहीं तो जनता सड़क पे आंदोलन करेगी, और पप्पू यादव के को रिहा करें, और इनके साथी, इनके कार्यकर्ता जो आज बिहार में आंदोलनरत है, ताकि वो जनता की हिफाजत में लगे, जहाँ दवाई वहाँ दवाई दें, जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन, जहाँ सुई की ज़रूरत है सुई दें, और अविलंब प्रत्येक जनता को वैक्सीन देने की सुविधा और प्रत्येक हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था अविलंब सरकार कराए,
जिससे जनता को राहत मिले। हम सरकार से यही मांग करते हैं और दोषी सांसद को अविलंब उस पर 302 का मुकदमा या जो धारा लगे 120 के तहत उसको गिरफ्तार करे। सभी विधायक सांसद को अपने अपने क्षेत्र जाने के लिए सरकार अनुमति दे ताकि जनता के दर्द को वो समझे और अपने सरकार को बताए ये सरकार की नाकामी है, सिस्टम और सरकार दोनों फेल हो चुकी है और उसके आदमी इस महामारी के आड़ में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए और जो सुविधा है अविलंब एक सप्ताह के अंदर मुहैया कराया जाए और एक सप्ताह के अंदर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई, नहीं तो बहुत बड़ी आंदोलन की हम लोग तैयारी में हैं। एक सप्ताह के अंदर उसकी रिहाई नहीं हुई तो बिहार के चौक चौराहे पर सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी और सरकार को लिखकर समय निर्धारित करेंगे और हम लोग आत्मदाह करने का काम करेंगे। इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। जय हिंद जय भारत। तो रानीगंज विधानसभा में जितने भी एपीएससी हैं, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस सब एक एक करके उजागर हो रही है। सुनिए सरकार, कब तक कागजी कारोबार कीजिएगा? अभी आपको बता दें कि रानीगंज विधायक श्री अश्मित ऋषि का जब पत्नी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको बेड नहीं मिला। अब आपके सरकार का कोई नेता को बेड नहीं मिल रही है तो आम जनता का क्या होगा?